ओ भाई पता नहीं दिख रहा या नहीं, पर आगे है बहुत धुंध और हो रही है बारिश। तो मैं मोड़ के ला रहा हूँ। ओ भाई डिसबैलेंस भी हो रही है। तो गाइस हम चल रहे हैं यहाँ से आंटी को हैप्पी बर्थडे दोबारा से। ओके आंटी हैप्पी बर्थडे दोबारा से। ओके बाय बाय। ओके बाय। चलो ओके बाय। ओके नानी बाय बाय। चल चल हाँ आ जा आ जा बैठ आ जा ना। हाँ बैठ ना। हिल तो नहीं रहा ज़्यादा। नहीं चलो ओके भाई बाय सबको। चलूँ पापा के ना हवा की बात नहीं है, आगे से टायर उठ रहा है पीछे हैवी लोड है, तेरा बैठना भी जरूरी है। नहीं ताकि बाइक आगे से ना उठे। आगे से थोड़ी और तेज कर दी ना बाइक आगे से उठ के पीछे गिर जाएगी। बारिश वाला मौसम हो रहा है और अपने सारे रेल लाइनें अंदर पड़े हैं। सब पैक है। देख अगर यहाँ बैग निकल गया या फट्टी टूट गई नहीं तो रास्ते में कुछ नहीं होगा। ये ऑफ रोड ही इतना है। हाँ उसके बाद तो पूरे रास्ते ही सड़क है। यहीं पे टेस्ट हो जाएगा कि कितना टिकेगा। अच्छा यहाँ से तुझे पकड़ा होगा क्या बैग बैग। भाई बहुत हैवी है सेब। आगे से टायर उठ रहे थे तो भाई इनके घर वालों ने हमारे को पूरी पेटी सेब की बांध दी है। अनार पेटी अनार और उसकी सेब भी है। अब भाई घर की खेती है, अगली बार गाड़ी लेके आएंगे। हाँ ये सारे खेत इन्हीं के हैं और अपना पूरी पेटी बांध दी हमने। तो बोला था जब गाड़ी लेके आएंगे तब लेके जाएंगे और लोड इतना हैवी हो गया बाइक पे पूछो मत। सोची ना हो कि भाई यहाँ के जो पत्थर है ना। तो इस जगह का नाम क्या था अभिषेक? भुट्टी। तो भाई ये जगह का नाम था भुट्टी। यहाँ पे हमने एक रात नांज पे बिताई, एक भुट्टी नंजा पे बिताई और एक भुट्टी पे। तो दोनों ही बढ़िया जगह थी। हाँ अब अपना चल रहे हैं घर को। दो तीन दिन बढ़िया रेस्ट हो गया। बाइक का टूर हो गया। बाइक का टूर हो गया। ठीक है तो ये अपना पहला रूट था बाइक पे जो बाइक ने अभी तक कहीं धोखा नहीं दिया। एक जगह बस थोड़ा सा चेन उतर गई थी। वो फाइनली वी डिड इट। तो मौसम यहाँ का हो रहा है बढ़िया। बाबा पहले मैं कह रहा हूँ कि अगर रुक गए अब मेहनत बहुत करी है ना। ये भुट्टी मोड़ है इनका और तो गाइस हम भी सरप्राइज देने आए थे इनकी मम्मी को बर्थडे का। हाँ भाई रुक जाओ एक बार इधर 800 आ रही है।
ओके भाई, मिलते हैं भाले दिल्ली में। अपने को यहाँ जाना सीधा कहाँ? इधर इधर चल। रुक जा, भाले को जरा रिएक्शन भी ले रहा था। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये? तो इसके मामू की केमिस्ट की शॉप है और ये ऊपर हमारे दोस्त मजे कर रहे हैं और हम चलते हैं आगे। तो पहला कह रहा होगा कहाँ गायब हो गए। कौन सा यहाँ है तेरे पापा? तेरे पापा यहीं तो आए हैं, गाड़ी पे यहीं छोड़ने आया था मैं। सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है भाई, मेरे को तो पसीने आ गए थे। हम लोग इंटरकॉम कनेक्टेड है हमारे, अब बोले रहा था मैं जब तक पहुंचा देंगे आराम से। ओ ये है, और अपने को चाहिए एक ऐसी सी जिप्सी, क्या कहता है अभिषेक? और यहाँ सारे भाई कितनी ऊपर बात, भाई ऊपर देख खतरनाक, सारी बढ़िया है। और ये सारे वहाँ पे भी भाई देख, वाइट वाइट पूरे एप्पल फार्मिंग, ये सारे सेबों के पेड़ है गाइस। ये अनार, ये भी सेब है, सेब है लग रहे हैं पूरे बढ़िया। और ये जो बारिश हो रही है, मतलब बारिश वाला माहौल होने वाला है, यहाँ से निकलते फटाफट। जिस चीज़ का डर था वही हुआ, बारिश शुरू हो गई है। अभी तो बूंदाबांदी हो रही है और अपने बैग में रेनकोट वगैरह सब ऑलरेडी पैक कर चुके हैं, जो खोल नहीं सकते, खोलना ही नहीं चाहते। हाँ रुकते हैं थोड़ी देर यहाँ पे, अभी हम नारकंडा पहुँच चुके हैं। शिमला यहाँ से 64 किलोमीटर दिखा रहा है। ये देखो सामने बादल हैं खतरनाक। तो भाई बारिश शुरू, तेज पूरे ट्राई कर दिया ऑर्डर, क्योंकि बाहर हो रही है बहुत तेज बारिश। और ये खड़े अपनी बाइक इसके ऊपर जस्ट फॉर नाउ, इनसे एक बोरी वोरी लेके डाल दिया और बाइक में से निकल गया धुआं, क्योंकि इंजन और रखा था गर्म। तो फिलहाल ये लोकेशन भी कुछ है ऐसी। तो यहाँ पे है फोग ही फोग, बादल बिल्कुल नीचे। हर जगह कोहरा ही कोहरा। राइट नाउ वी आर इन कुफरी, अब हम शिमला पहुंचने वाले हैं, मिलते हैं आगे। यहाँ से अपने को सीधा जाना है ना, ये क्या कहते हैं
कहना छोले कुलचे ही बोलते हैं इसे, छोले कुलचे बोलते हैं, लेकिन ये बर्गर अलग तरीके से बनाते हैं, अंदर बर्गर बर्गर की तरह खा रहे। तू कुछ नाम बता रहा था, तू क्या नाम बता रहा था? हमने ही लगा था। चल बढ़िया है, बारिश दोबारा चालू हो गई है गाइस, और हमने बाइक का कुछ सेटअप ऐसा करा हुआ है, मतलब अब घर से उस प्रिपरेशन में चले नहीं थे, खा के करते हैं, बांध देते हैं भाई और आगे लगा देता हूँ। हाँ जी, मिर्च वाले, एक मिर्च वाला, एक बिना मिर्च वाला, एक बिना मिर्च वाला। हाँ बोल दिया भाई, मैंने बोल दिया, पता है मेरे को। क्रॉस कर चुके हैं शिमला, ये ओल्ड बस स्टैंड रह गया पीछे, और बादल आ चुके हैं नीचे, तो वहाँ शिमला क्रॉस करके हमारा मन किया है यहाँ पे भुट्टा खाने का। आंटी से लगवाते हैं हम भुट्टा, अच्छे बोलते हैं ना, भुट्टा है मीठे आंटी, मीठे बढ़िया। ओके गाइस, तो फटाफट से हम, ठंड सी हो रही है, भुट्टा खाते हैं और मिलते हैं आगे। इसने दुखी कर दिया, ये एकांत बाड़ी में हमें जाना था, तो एकांत बाड़ी में हमें बचाया बाबा बारिश से। मतलब बादल सारे नीचे आ रखे हैं। एकदम से मौसम हो चुका है चेंज, शिमला क्रॉस करते ही सोलान के रास्ते में ऐसा थोड़ा बारिश हो रही है, और थोड़ा फॉगी और बादल नीचे आ चुके हैं, खतरनाक, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। गाड़ी गायब हो चुकी है आगे, कैमरा में तो सब दिख रहा है, कैमरा देख के बाइक चलाऊंगा। पर इसमें भाई थोड़ा लेट है सिस्टम। ओ भाई पता नहीं दिख रहा है या नहीं, पर आगे है बहुत धुंध और हो रही है बारिश, यहाँ लग चुका है जाम। हम जा रहे हैं चंडीगढ़ की तरफ, बाइक की चेन टाइट करवा ली है, हो चुके हैं हरियाणा में, और हमारी हरियाणा पुलिस मदद कर रही है, और कभी भी गूगल मैप पे भाई भरोसा मत करना, पर्सनल सजेशन है। जी सर, करनाल है सीधा, डायरेक्ट करनाल है, ऑन रोड रहना, लेफ्ट राइट मत करना। हाँ जी ठीक है, शहर में बढ़ते ही नदी है। हाँ जी, नदी से लेफ्ट लोगे तो हाईवे पे चढ़ जाओगे, शहर में एंट्री करोगे वो भी शहर हाईवे पे पड़ता है। अच्छा अच्छा, बाब यहाँ से बिल्कुल सीधा ही है ना रास्ता, ऐसा ही है आगे और भी अच्छा है। थोड़ा कट है, थैंक यू सर, ऑन रोड रहना। चलो ठीक है सर, ओके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्राइवेट आदमी ठीक है सर, थैंक यू।